जी एसान स्टूडेंट्स कैन यू हेयर मी? डियर स्टूडेंट्स कैन यू हेयर मी? हेलो डियर स्टूडेंट्स कैन यू हेयर मी? हेलो कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम तमीना, कैसे हैं आप? जी तमीना, जरा बताएंगे लास्ट टाइम क्या टॉपिक कहाँ कंप्लीट हुआ था हमारा? इफ यू रिमेम्बर, ओके नो प्रॉब्लम. सो एनीवन एनीवन कैन प्लीज लेट मी नो. लास्ट टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर हमने. शकील व्हाट्सएप भी सुन रहे हैं मुझे, अगर शकील व्हाट्सएप काइंडली बताएंगे टेंटेटिव इनका वीक कौन सा है, एग्जाम वीक टेंटेटिव. शकील व्हाट्सएप अगर आपको आइडिया है, या आईटी टीम, टेंटेटिव एग्जाम वीक कौन सा है इनका? ये बाकी स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही मेरा ख्याल. मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल 2 months, 8 weeks, 16 classes, 16 chapters. Well, कंज्यूमर्स बिहेवियर और यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी अप्रोच. ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है जी आज. चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर बिहेवियर और यूटिलिटी अप्रोच. अच्छा जी कंज्यूमर, अब आप तमाम स्टूडेंट्स
आई डोंट नो कैन यू हेयर मी प्रॉपरली और नॉट, बट इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज नो नो वन इज एक्चुअली टेलिंग मी क्लियरली आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही. कोई स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहा मुझे. अगर आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज यहाँ चैट में तमाम स्टूडेंट एक बार यस और नो का रिप्लाई करें. तमाम यस सर आ स्टूडेंट रही है. आज चैट बॉक्स में अपनी यस और नो का रिप्लाई करें. चैप्टर नंबर 4 का जो आज टॉपिक है, ये एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सब स्टूडेंट्स की कि आप लोग इसको इतना अच्छा सुने, इस वक्त इतना अच्छे से इसको सुने, क्योंकि शुरू के 30 मिनट्स में बेसिक्स शेयर होते हैं, फिर इसका एक मोमेंटम बन जाता है. कंज्यूमर कहते हैं वन हू कंज्यूम गुड्स और सर्विसेज. जो भी कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा उसको हम कंज्यूमर कहते हैं. फिर दूसरा सवाल ये है, व्हाई वी कंज्यूम गुड्स? Why we consume goods? To satisfy human needs. अब देखें, स्टेप वाइज बात को अंडरस्टैंड करें. कंज्यूमर वन हु कंज्यूम्स गुड्स. Then why we consume goods? To satisfy human wants, human needs. So, यहां से बात समझ आई. It means street life. Yes, it means goods have power to satisfy our wants or इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स के अंदर ये पावर होती है कॉटन सेंटर. गुड्स के इट मींस इसके अंदर ये पावर होती है कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है. यही जो पावर है पावर और फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स
इज कॉल्ड यूटिलिटी। पावर और फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। जी जरा रिप्लाई कर दें चैट में, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? लाइक वॉटर कैन सेटिस्फाई थर्स्ट फूड कैन सेटिस्फाई हंगर। फूड कैन सेटिस्फाई हंगर। एसी कैन सेटिस्फाई नीड ऑफ कूल। तो हर एक चीज की एक पावर होती है जो आपकी डिफरेंट नीड्स को सेटिस्फाई करती है। यूटिलिटी इज इनविजिबल। यूटिलिटी इज इनविजिबल। पहले तो ये याद रख लें, जो यूटिलिटी है ये इनविजिबल होती है। वी कैन नॉट क्वांटिफाई, वी कैन नॉट मटीरियलाइज, वी कैन नॉट यू नो टच यूटिलिटी। यूटिलिटी इज जस्ट सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग। Utility is something like pleasure, खाना खाने के बाद अच्छा लगना, पानी पीने के बाद अच्छा लगना, गर्मी में एसी वाले रूम के अंदर आके बैठ के अच्छा लगना, इट इज समथिंग लाइक यूटिलिटी। अब हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके यूटिलिटी के। यहां से एक बात तय हो गई कि जितनी भी चीजें दुनिया में मौजूद हैं वो इंसान की कोई ना कोई जरूरत पूरी करती हैं, कोई ना कोई नीड सेटिस्फाई होती होगी, इसका मतलब ये। एक होती है टोटल यूटिलिटी, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। इट
स्टैंड फॉर टी यू एंड दिस इज स्टैंड फॉर। यार मैं इतनी देर से पूछ रहा था मंसूर भाई, इतनी देर से पूछ रहा था लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी स्टूडेंट ने रिप्लाई नहीं किया मुझे। दिस इज नॉट फेयर यू नो, एटलीस्ट यू पे शुड टेल मी दैट आई एम जस्ट कीप ऑन आस्किंग लॉन्ग टाइम। चले छोड़े, अब चले आगे, तो मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों को। एक है टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। टी यू मीन्स derived from all consumed units। हम जब किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं उसके जितने भी यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 उनसे जो टोटल यूटिलिटी हमें ड्राइव होती है उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी जो है दैट इज यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट और एडिशनल। Of any commodity। अच्छा यहाँ अब आप लोगों ने एक और बात याद रखनी, माइंड में रखनी, बड़ी इंपॉर्टेंट। आज बता रहा हूँ रिमेनिंग इकोनॉमिक्स के लिए, जस्ट ट्राई टू कीप इन माइंड। इन इकोनॉमिक्स Marginal stands for what? Change per unit और इंक्रीमेंटल। ये तीन वर्ड्स आपने वैसे पॉपुलर दो हैं, पर यूनिट चेंज और स्लोप ऑफ एनी टोटलिटी। तो पूरी इकोनॉमिक्स में इसको आपने याद रखना है, मार्जिनल जो है ये हमेशा डेरिवेटिव के तौर पे यूज होता है। याद रख लें डेरिवेटिव होता है, मार्जिनल हमेशा डेरिवेटिव होगा। देखिए जी, एक लॉ ऑफ नेचर है अबाउट यूटिलिटी, यूटिलिटी के बारे में एक नेचुरल सी
एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी DMU इंसान की एक नेचर है, उसके बारे में ये स्टेटमेंट है और आपको आइडिया है कि जब आप किसी प्रोडक्ट की नीड फील करते हैं, इधर रिप्लाई कीजिएगा आप सारे लोग, जब आप किसी प्रोडक्ट की नीड फील करते हैं तो फिर आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं जो आपकी उस नीड को पूरी करे। वाइल फीलिंग थर्स्टी यू नीड सम वाटर, देन यू ड्रिंक वाटर। द नीड ऑफ hunger, then you take food. So actually जब आप किसी product की need feel करते हैं तो आप उस product को consume करते हैं, और जब आप product को consume करते हैं तो आपकी need obviously satisfy होना शुरू हो जाती है। तो आप रिप्लाई कीजिएगा, जब आपकी नीड पूरी हो जाए देन दैट टाइम हैव यू एनी मोर अट्रैक्शन एंड नीड फॉर दैट प्रोडक्ट और नॉट। आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। इट मींस एज यू स्टार्ट कंज्यूमिंग एनी कमोडिटी एनी प्रोडक्ट योर नीड ग्रेजुअली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। Your need increases or decreases gradually? Decreases. Exactly. So, आपकी जब need decrease होती है, इसका मतलब ये है कि आपका जो level of satisfaction drive हो रहा है, the satisfaction you are driving from every next or additional unit of a product, will that increase or decrease? The utility you will derive from additional unit gradually will be less or more? जब आप कोई product consume करते हैं तो आपकी आपकी जो thirst और आपकी hunger वो खत्म होना शुरू हो जाए तो ग्रेजुअली आपकी अट्रैक्शन भी कम हो जाती है। इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या स्टेट करती है? With continuous use of a product, marginal utility decreases. Marginal utility decreases.
अब बात समझ आ गई आप लोगों को? तो जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी तो फिर जाहिर बात है कोई चीज डिक्रीज हो रही होती है तो जीरो भी होती होगी फिर। जी अब आप मुझे एक एग्जांपल बताएं। हाँ हम वाटर पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जी। वाटर से एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आप बताएंगे सारे स्टूडेंट्स खुद से। सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपके यूं ग्लास चल रहे हैं और एक ग्लास का यूटिलिटी आपको मिली 30। अगर एक की 30 होगी तो सेकंड की क्या होगी? मोर देन 30 लेस देन 30? लेस देन मोर लेस। फाइनली जब आपकी थर्स्ट सेटिस्फाई हो जाए देन यू विल नॉट गेट एनी एडिशनल यूटिलिटी। इसे कहते पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। और फिफ्थ ग्लास पे चुके, फिफ्थ ग्लास पे चुके मार्जिनलिटी डिक्रीज होती है तो आप ओवर ड्रिंकिंग कर लेते हैं तो आपकी जो मार्जिन ड्यूटी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। अगर आप टीयू बनाना चाहते हैं तो ऐड करते जाएं फर्स्ट की 30, टू की 50, थ्री की 60, फोर की भी 60 और फिफ्थ की 50। इसका मतलब सेचुरेशन के बाद आपकी जो यूटिलिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ सेचुरेशन के बाद आपकी यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। यहां तक समझिए बात। तमाम स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, क्या यहां तक समझ आ गई है? यहां से भी कुछ
एमसीक्यूज जनरेट हो जाते हैं। व्हेन देन बताएं जी, द करेक्ट आंसर इज क्योंकि हमने देखा है कि जब टी यू मैक्सिमम होता है तो एम यू जीरो होता है। If TU is decreasing, then MU ABC D ABC D correct option is बी 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 बी। टीयू जब फॉल करता है एम यू बी होता है, यानी कि नेगेटिव। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेगेटिव पॉजिटिव ऑप्शन इज डिक्रीजिंग। देन बताएंगे ऑप्शन ए बी सी डी। आई थिंक सो पॉजिटिव। नो, इट इज डी, नन ऑफ द अबव। Because when MU is zero, then TU is maximum. Check it out. When MU is zero, then TU is maximum. So there is no option of maximum. It means it would be none of the above.
Assumptions, limitations, and application of law of जी मिश्मा पूछ रही है कि why we can't say it positive, बताएं फिर positive कैसे होगा जी? When it is zero, then TU is okay. Good question. मिश्रा आपके लिए clapping. We can say it positive too. Miss Manorin, good. Okay. हम करेंगे इसकी assumption, limitations and practical importance. चलें जी, आप बुक्स ओपन करें, साथ साथ टिक भी करवा दूं कि आप लोगों ने बुक से क्या रीडिंग करनी है, साथ साथ बुक मार्किंग कर लेते हैं. 96 पेज पे, 97 पेज पे यूटिलिटीज की डेफिनेशन, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन. उसके बाद पे नंबर 9900, पे नंबर 100, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अजम्पशंस क्या हैं? Consumer is rational. Consumer is but मैंने आपको appreciate किया जी, बस और कुछ नहीं किया मैं. आपको appreciate किया that you have pointed out and highlighted in fact. मिस्टर आपके लिए हम clapping करवाते रहे, हम आपको appreciate करते रहे. आप कह रही हैं कि I couldn't get आंसर. हम आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, मैंने आपके एब्सेंस में कहा कि यस यू आर राइट, इट कुड बी पॉजिटिव टू.
जी, अब कहते हैं कि इसकी क्या assumptions हैं लॉ ऑफ डीएमयू की, क्योंकि इनमें से भी बन जाते हैं एमसीक्यूज, इसलिए मैं करवा रहा हूँ साथ साथ। डायग्राम्स नहीं करवाऊंगा आपको इकोनॉमिक्स की में, क्योंकि आई कैप आपके जो सॉरी फिफा के एमसीक्यूज हैं सारा सीबी, यूजली उसमें डायग्राम का कोई ऐसा रोल नहीं होता, सो आई डोंट वॉन्ट टू कंज्यूम माई मच ऑफ द टाइम फॉर डायग्राम। जस्ट अजम्पशन में पहली क्या है जी, कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर इज रैशनल। सबसे पहली अजम्पशन ये है कि कंज्यूमर की सेंस होनी चाहिए, वो गुड और बैड समझ सकता हो, वो अपनी यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करता हो, अपनी पैसे खर्च करने से पहले उसको उसकी रीजन का बताओ कि व्हाई आई एम स्पेंडिंग मनी। सेकंड छोड़ दें, इसका कोई नहीं मकसद। थर्ड है कॉन्टिन्यूस यूज, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। ये लॉ तभी इफेक्टिव होता है डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल, तभी ये इफेक्टिव होता है जब तक आप किसी प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली यूज नहीं करते तो फिर ये डीएमयू नहीं होता। क्वालिटी सेम होगी, एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट यूनिट्स आप कंज्यूम करेंगे तो डीएमयू अप्लाई होगा। अगर आप डिफरेंट गुड्स यूज करेंगे तो फिर डीएमयू अप्लाई नहीं होगा। इनकम अगर आपकी चेंज होती जाए तो आपका स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज हो जाता है, आपकी मेंटालिटी भी चेंज हो जाती है, आपकी यूटिलिटी भी चेंज हो जाती है। इसलिए आपने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान मेक श्योर करना है कि आपकी जो इनकम है वो चेंज नहीं होगी। कंज्यूमर का टेस्ट और चॉइस, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। बस ये चार कर ले, बाकी काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस, कहाँ जाकर ये लॉ जो है डिमिनिशिंग अप्लाई नहीं होता, किन चीजों पे किन हालात पे डीएमयू अप्लाई नहीं होता। कलेक्टेबल्स, अगर किसी को कॉइन कलेक्शन का शौक है, अगर किसी को स्टैम्प कलेक्शन का शौक है, तो अगर आप उसको ज्यादा चीजें देते भी जाएं तो उनका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कम नहीं होता, उनकी यूटिलिटी फॉल नहीं करती। हॉबीज, जिन लोगों को शौक होता है किसी चीज का, वो उसके ऊपर भी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई फिर नहीं होता। रेयर आइटम्स, जो एंटीक्स होती हैं, एंटीक्स वो भी जितनी ज्यादा हो उतनी आपको अच्छी लगती हैं, डीएमयू अप्लाई नहीं होता। रेयर आइटम, रेयर आइटम। जो चीजें रेयर उसी में आ जाती है ना, उसके बाद नॉलेज आर्ट एंड इनोवेशंस। नॉलेज पे भी या आर्ट पे भी या किसी आर्टिस्टिक अप्रोच पे भी, आप कितना भी ज्यादा नॉलेज गेन करते जाएं, आपका आर्ट जितना भी ज्यादा होता जाए कभी डीएमयू अप्लाई नहीं होता। ये लॉ किन लोगों को सपोर्ट करता है, ये लॉ कहाँ हमें हेल्प करता है? एक तो है कंज्यूमर के लिए, आप समझते हैं कि कंज्यूमर जो है
वो जब अपनी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है, जब भी कोई कंज्यूमर, तो पेमेंट करता है उसके लिए, पैसे खर्च करता है उसके लिए, तो जब उसको पता होता है कि जितने जितनी ज्यादा मैं कंज्यूम करता जा रहा हूँ, मेरी डीएमयू कम होती जा रही है, तो वो जब ये देखता है कि जितने पैसे पे कर रहा हूँ यूटिलिटी उससे कम गेन हो रही है, तो अपनी स्पेंडिंग रोक देता है। लेकिन अगर आप कोई खाना खाने बैठते हैं तो आप कहते हैं सर एक नान और दे दें, फिर आप कहते हैं जी एक नान और दे दें, फिर आप कहते हैं जी एक नान और दे दें, तो आखिर आपको लगता है कि यार बस अब मुझे और भूख नहीं रह गई, तो मजीद पेमेंट करेंगे आप उसको, नान वाले को, नान के लिए फर्दर पेमेंट करेंगे आप? बताइए, उस नान वाले को उस नान के लिए मजीद पेमेंट करेंगे हम लोग? नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपको आइडिया कि डीएमयू कम होते होते इतनी कम हो गई है कि अब इसके लिए पैसे खर्च नहीं किए जा सकते। इनडिफरेंस कर्व, यहां तक आपका जो डीएमयू है वो कंप्लीट हो गया। तो ये पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं, अंडरस्टैंड करना है। राइट, अच्छा अगला हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स। इक्विलिब्रियम, ये आईटी टीम जरा मिसबा का मैसेज पढ़ लें प्लीज। मिसबा में आपका मैसेज यहां से कॉपी करके मैं करने लगा हूं हेड ऑफिस को, ये देखें जी। ये मैंने कर दिया जी, मैंने प्रिफर हेड ऑफिस को मिसबा, ये रहें जी, मैंने आपका नाम भी लिख दिया मिसबा। ठीक है जी मिसबा जी, मैंने आपके नाम से जी, इसमें मैंने आपके लिए आपके नाम के साथ हेड ऑफिस को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया है।
Consumers equilibrium means what? Maximum total utility within given income. Maximum total utility within given income. अच्छा एक बात बताएं, तमाम जो रैशनल कंज्यूमर्स होते हैं क्या वो अपनी इनकम को वेस्ट करना चाहते हैं? कोई भी रैशनल कंज्यूमर अपनी इनकम को वेस्ट नहीं करना चाहता। कोई शख्स अपने पैसे जाया नहीं करना चाहता, तो वो चाहता क्या जी? अगर पैसे जाया नहीं करना चाहता तो फिर क्या चाहता है बताएं? Sir, it's very difficult to earn. Then why we should go for the wasting and especially spending money for any product which we don't need even? It's quite my irrational decision if I'm spending my money on that product which I actually don't need. So I just want to maximize total utility. So when I'm getting the total maximum utility, it is called consumer's equilibrium. There are two approaches There are two approaches for consumers' equilibrium. One is cardinal utility, second is ordinal utility. अब हमें पता होना चाहिए कि difference between ordinal and cardinal. Cardinal means quantitative measurement of utility is पॉसिबल. यानी कि कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो ये बिलीव करता है कि हम यूटिलिटी को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं
measuring of utility in numbers. Measuring utility in numbers. जबकि जो दूसरी है अप्रोच ऑर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट, वो समझते हैं, उनका बिलीव ये कहता है कि नो, वी कैन नॉट मेजर यूटिलिटी इन नंबर्स बट वी कैन रैंक और ग्रेड ओनली. एक है क्लासिकल्स और एक है हिक्सन. जो कार्डिनल्स हैं वो ये समझते हैं कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हम कर सकते हैं, जबकि ऑर्डिनल कहते हैं कि नो, वी कैन नॉट, वी cannot. क्योंकि खाना खाने के बाद कौन बता सकता है जी मुझे कितना अच्छा लगा. हाँ, वी कैन रैंक कि ये अच्छा था नहीं अच्छा था. वी कैन रैंक बट वी कैन नॉट क्वांटिफाई. तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट है. तो ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं, इनका दोनों का अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर निकालने का एक तरीका कार है. जो कार्डिनल अप्रोच वाले लोग हैं वो कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ये कहते हैं कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम ओनली इफ marginal utility of x is equal to marginal utility of y. वो कहते हैं जब दो गुड्स हम कंज्यूम करेंगे और उन दोनों गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है जब वो बराबर होगी तो तभी कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा. ये कंडीशन है उसकी. इसको डिटेल करने की जरूरत कोई नहीं हमें. ये एक लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
जबकि जो दूसरी अप्रोच है वो ज्यादा लेंथी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि ऑर्डिनल अप्रोच है। इसको आईसी अप्रोच भी कहते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच को हम आईसी अप्रोच भी कहते हैं। आईसी कहता है इन डिफरेंस कर्व अप्रोच, कहते हैं आईसी शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है इनके मुताबिक आईसी जो है वो दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम हो। अब ये बात समझ नहीं आती जब तक इसको एक्सप्लेन ना किया जाए। जी इतना बताएं मुझे एक बात, तमाम स्टूडेंट्स और रिप्लाई करना है आप लोगों ने। फर्ज करिए दो जार्स हैं, फर्ज करें ये दो आपका जार्स हैं, दोनों में जरा सोच के जवाब दीजिएगा प्लीज। पांच पांच लीटर पानी है, दोनों में पांच पांच लीटर पानी है। अगर आप यहां से वन लीटर बाउल इधर डाल दें
और यहां से इधर आप हाफ ऑफ लीटर के दो बाउल इधर ले आए तो बताइए आपका जो लेवल ऑफ वाटर होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा दोनों में। बताइए दोनों बाउल्स में लेवल ऑफ वाटर सेम रहेगा या नहीं रहेगा। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने रेट ऑफ चेंज कितना रखा, बताएं। वन रेशो टू, बोलिए। हमने दोनों का जो रेट ऑफ चेंज रखा, एक्सचेंज रखा, वो 1:2 रखा। अच्छा इसका मतलब ये हुआ सुने जरा गौर से, वन विश्व हमने किया ना, हमने वन बाउल उधर से ऐड किया, हमने एक बाउल इधर किया और टू बाउल्स इधर से इधर किए, तो 1:2 ही ना, 1 के अगेंस्ट 2 किए ना, 1 के अगेंस्ट 2 किए। चले अदरा बताएं मुझे, रिप्लाई करना आप लोगों ने। अगर एक बास्केट है ए बास्केट है, उसके अंदर उसमें 10 ऑरेंज एप्पल और 1 ऑरेंज है, चले लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इस बास्केट का है सपोज एम। आपके पास एक बास्केट है जिसमें 10 एप्पल है और 1 ऑरेंज। अच्छा जी, अब सोच के बताएं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक इस वक्त पर ऑरेंज एंड पर एप्पल विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जी, पर ऑरेंज और पर एप्पल, विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट? एग्जैक्टली ऑरेंज. ऑरेंज इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन पर एप्पल. Orange is per orange utility is greater in than per apple. अच्छा चले, और इसका हमने टोटल यूटिलिटी डिफाइन कर ली एम. वॉट एवर एम, चले अब आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी ड्रिल चाहिए इसके लिए. सपोज यू वांट टू मेंटेन लेवल ऑफ यूटिलिटी सेम सेम. अब आप बताएं, अगर आप ऑरेंज ऐड करेंगे तो यूटिलिटी तो ऐड होगी ना, यूटिलिटी ऐड होगी सर सेकंड ऑरेंज की टीयू के तौर पे, तो टीयू इंक्रीज होगा आपका. एम स्टैंड फॉर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एम स्टैंड फॉर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. Like it is your total basket of utility. जी ये है एम, ओके ये एम है लेवल ऑफ यूटिलिटी. चले अब बताएं कि अगर हम वन ऑरेंज ऐड करेंगे तो ये एम प्लस नहीं हो जाएगा? इसमें एम प्लस हो जाएगा ना फिर, यूटिलिटी ऐड हुई ना इसमें, बिकॉज हमने एक ऑरेंज ऐड किया तो यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज ऐड हो गई. यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज हमने ऐड कर दी. लेकिन अगर मैं अब मैं सपोज कर रहा हूं, मेरी नजर में एक ऑरेंज फोर एप्पल के बराबर है. वन ऑरेंज मेरी नजर में फोर एप्पल के बराबर है, तो कितने रह गए? एक ऐड करने के लिए मैंने फोर सेक्रीफाइस किए, एक ऐड करने के लिए फोर एप्पल सेक्रीफाइस किए, तो इसका मतलब मेरा जितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऐड हुआ
मैंने उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल माइनस किया, जिसकी वजह से जो मेरा टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो एम पे सेम हो गया, इजंट? ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि जब मैंने ऑरेंज को कहा कि रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन, ऑरेंज इज मोर इंपॉर्टेंट देन वन एप्पल, तो वन ऑरेंज को मैंने फोर एप्पल के इक्वल रखा अगर, तो एक ऑरेंज ऐड किया, फोर एप्पल माइनस कर दिए, तो मेरा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो तो एम का एम ही रहा ना, बिकॉज जितनी यूटिलिटी मैंने ऐड की उतनी ही यूटिलिटी मैंने माइनस कर दी। नाउ सपोज मैं आई नीड वन मोर ऑरेंज, जरा तवज्जो से सुनिएगा, पहले एक ऑरेंज था, नाउ वी हैव वन मोर ऑरेंज, नाउ वी हैव वन मोर ऑरेंज, थर्ड ऑरेंज। तो अब बताइए पर ऑरेंज यूटिलिटी उतनी ही है जितनी पहले थी या कम हो चुकी है, इंक्रीज हुई है? नाउ एट द थर्ड ऑरेंज, नो नो, मुझे सिर्फ ये बताएं थर्ड ऑरेंज पे आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर ऑरेंज है वो अब इंक्रीज्ड है, लेस है, ये सेम है? ऑरेंज जब मेरे पास वन था, फिर टू हुए, फिर थ्री हुए, तो डीएमयू की वजह से थर्ड ऑरेंज का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बहुत कम रह चुका है। तो अब आप उसके लिए सिर्फ तीन सेक्रीफाइस करने पर तैयार होंगे, आप सिर्फ तीन सेक्रीफाइस करेंगे। तो रिमेनिंग रह जाएंगे थ्री। तो डी कॉम्बिनेशन अगर मैं बनाऊं, अगर मैं एक और ऑरेंज ऐड करना चाहता हूं, तो आप बताएं ऑरेंज की यूटिलिटी अब ग्रेजुअली इंक्रीज हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है? बताएं, फोर्थ तक आते आते ऑरेंज की पर ऑरेंज यूटिलिटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है? डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए आप और कम सेक्रीफाइस करेंगे, तो रिमेनिंग वुड बी वन। जिसका मतलब जितनी यूटिलिटी आप ऐड कर रहे थे उतनी ही इक्वल यूटिलिटी आप माइनस करते जा रहे थे। इसका मतलब जितनी यूटिलिटी आप ऐड कर रहे थे उतनी ही यूटिलिटी आप माइनस करते जा रहे थे, जिसकी वजह से इसीलिए आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टोटल वो सेम था। फर्स्ट ऑरेंज आपके लिए फोर एप्पल के इक्वल था, सेकंड ऑरेंज आपके थ्री एप्पल के इक्वल था, थर्ड ऑरेंज आपके लिए कम होते 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 होते, क्योंकि डीएम यू अप्लाई हो रहा था ऑरेंजेस पे, बिकॉज यू आर एडिंग मोर ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस के ऊपर आपका डीएम यू अप्लाई हुआ, तो डीएम यू की वजह से आपका सेक्रीफाइस पहले फोर था, फिर थ्री हुआ और फिर टू। इसका मतलब ए बी सी डी जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं
You got it? बताइए, पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को? अगर मैं अब आपसे एक बात पूछूं, इधर मैं एप्पल ले रहा हूं, इधर ऑरेंजेस, जी अब बताएं, पहला कॉम्बिनेशन कितना था? पहला कॉम्बिनेशन 110 का है, दूसरा 62, तीसरा 33, तो ये बन गए ए। ए बी सी डी अगर इनको ज्वाइन किया जाए तो ये होगा आईसी। क्यों कहेंगे इसको आईसी? जरा तवज्जो से जवाब दीजिएगा प्लीज। ए बास्केट का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या था? ए कॉम्बिनेशन का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या था? एम। बी का एम, सी का एंड डी। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन, इस कर्व के ऊपर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। तो हमने क्या पढ़ा था? आईसी शोज As it shows various combination of two goods which give same level of satisfaction. इसका मतलब क्या हुआ? इसे हम बोलेंगे IC, indifference curve, a curve that shows various combination yielding same level of satisfaction. It is called same level of satisfaction. Got it, ji?
यहां तक समझ आ गई सबको? बस यहां से कल कंटिन्यू करेंगे। जरा कल जब मैं आऊं और मैं पूछूं आप लोगों से कि कहां हमने कंप्लीट किया था, तो काइंडली आपको आइडिया होना चाहिए चल क्या रहा था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।